नमस्कार, मैं लक्ष्य पंचोली। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं बनारस यानी काशी, बरेली टू बनारस। तो इस सफ़र में आप भी हमारे साथ चलिए। तो अभी हमारी ट्रेन है 8:30 पे, और ये देखिए बरेली की आनुशान यानी कि बस का जो भी सामान बनता है वो बरेली में बनता है, इसीलिए बरेली पहचानी जाती है। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1, और हमारी ट्रेन आ रही है। तो ये है मॉर्निंग का व्यू। नाइट में बहुत लेट ट्रेन हो गई थी, घंटा लेट ट्रेन थी, तो हम सो गए थे। और जब ट्रेन में बैठे तो ये फीलिंग तो आती आती है, जो ये बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है। तो ट्रेन ने हमें बिल्कुल सही टाइम पे यानी कि 8:30 मॉर्निंग में हमें पहुँचा दिया था काशी यानी कि बनारस। ये देखिए फाइनली हम पहुँच गए बनारस। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने होटल। वेलकम टू बनारस रेलवे स्टेशन, थैंक यू सो मच। बहुत सुना था बनारस के बारे में, बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, फाइनली आज पहुँच ही गए। कितनी खुशी होती है ना जब कोई आप ऐसे के बारे में सोचो जहाँ आप जाना चाहते हो और सडनली प्लान बन जा रहा वहाँ पहुँच जाओ। सेम मेरे साथ में भी यही हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बरेली बनारस का। हमने वहाँ से ऑटो लिया, हमने कर होटल के लिए रास्ते में मंडी पड़ी थी जहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ बिक रही थी हरी हरी। तो मैंने कहा चलो ये भी कैप्चर कर लिया जाए, देखिए जैसे तरबूज है। और मॉर्निंग का टाइम था तो इसीलिए सारी मार्केट जो थी ऑन रोड लगी हुई थी। यहाँ पर ये एक था मॉल, इसका नाम था SJDS। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं, शिवलिंग्स बनती हैं। बनारस वैसे भी कहते हैं ना एक क्रिएटिव शहर है, यहाँ पर साड़ियाँ हर एक चीज़ यहाँ की बहुत फेमस है। तो और वैसे बनारस गलियों के लिए और अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। चलिए घूम लेते हैं बनारस। फाइनली हम अपने होटल पहुँचने ही वाले हैं। और हमने यहाँ से ऑटो लिया था काशी विश्वनाथ मंदिर का, क्योंकि मंदिर के पास ही हमने ऑटो बुक किया था। यहाँ से कुछ ही दूर का रास्ता है और जो ऑटो वाले हैं वो मंदिर से 2 किलोमीटर पीछे ही आपको छोड़ देंगे, आगे ऑटो अलाउड नहीं है, इसीलिए आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो इसके लिए आप बने रहिए। ये देखिए ई रिक्शा, एक रिक्शे पर 3-3 लोग, हालाँकि एक्सपीरियंस यहाँ का। तो फाइनली हमारा होटल ब्लू डायमंड हम पहुंच गए। डबल बेड तो नहीं है, क्वीन साइज बेड होगा उसका। और ये छोटा सा बाथरूम है, बस ये छोटा सा रूम है, दैट्स इट। तो इसी तरह से अब फिलहाल आज का तो हो गया। अब हमने साफ होटल वालों ने साफ कह दिया कि हम आज के लिए आपको बुकिंग देंगे, बट कल के लिए स्टे नहीं कर सकते आप, तो कल के लिए आप अपना देख लीजिएगा। तो अब हम कल के लिए और अरेंज करेंगे। कितनी दिक्कत हो जाती ना कई बार, अगर से पता हो जाता तो आते मेरी पहली बार बनारस आए वो के या हलवा। और दीदी कैसा लग रहा है आपको बनारस का एक्सपीरियंस, बताइए अपना एक्सपीरियंस। हमारे ये ना कि अगले बार पहले बुकिंग हो गई ना, फिर लेके आ रहा, इतना परेशान हो गए हम तो बता चुके हैं जनता को। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? हे काजू कुश, क्या हो रहा है ये?
आप आराम कर रहे हो, चोट नहीं लगाना ठीक है। से हेलो। जैसे आप सबने जाना कि बनारस आके हमें कितनी दिक्कत हुई है, बट कोई नहीं, महादेव की का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, बस यही काफ़ी है। तो अब 12 बज चुके हैं, तो हम अभी मंदिर बंद हो चुका है, तो हम शाम को जाएंगे दर्शन करने के लिए बाबा काशीनाथ के। तो मेरा आने वाले ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल में बने रहिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।